खेती है। मैं इसी के साथ मैं महाराजा शाह डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से दुर्वा तहसील, और ये आलू की खेती हम आप देख रहे हैं। ये कितनी जगह नीरज भाई खड़े हो, जरा खड़े अच्छा। ये देखिए हमारे किसान भाई हैं और ये मेरे मित्र भी हैं, इनका नाम है मिस्टर नीरज कुमार यादव मुनारी गाँव से, और ये 3 बीघा का एक चक देख रहे हैं। ये मल्टीप्लायर इसमें जो है ना डाला गया था, खाद की मात्रा कम डाली गई थी और 1 बीघा में 200 ग्राम के हिसाब से मल्टीप्लाई किया। हम आप ये देखेंगे कि पौधे की जो क्वालिटी है वो क्या है। ये देख रहे हैं ना पत्तियाँ चौड़ी, पेड़ जो है ना अलग से ये देख रहे हैं, तो इनकी क्वालिटी ये है। पूरे खेत को आप देखेंगे तो पूरे खेत की ही क्वालिटी अलग है, और इन्हीं का खेत एक ये है जिसमें इसी में भी मल्टीप्लायर यूज किया गया है। और हम आप ये देख रहे हैं जिसमें मल्टीप्लायर यूज किया गया है उस पेड़ पौधे की क्वालिटी क्या है। ये आलू जो है 1 महीने का आज हो गया है, अभी एक वीडियो और हम दिखाएंगे एक दूसरे खेत का जो कुछ इस खेत से कुछ दूरी पर है, वो जो है ना यानी कि 5 दिन पहले रखा गया था। इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई में और पत्तियों में फर्क देखेंगे कि फर्क क्या है जो है उधर चलता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अभी जो है ना एक मल्टीप्लायर वाला खेत था और मल्टीप्लायर विधि से जो है खेती की गई थी, हमने उसको देखा था। ये पूरे खेत की हम सीन दिखा रहे हैं आपको, ये इसमें मल्टीप्लायर नहीं यूज किया गया। इस पौधे को देखिएगा, ये जो है ना उस आलू की अपेक्षा 5 दिन पहले गाड़ा गया, और ये आलू देख रहे हैं कि इसके आलू की पत्ती कितनी पतली और डंठल कितना पतला है। ये जो है ना 1 महीने पहले यानी 5 दिन पहले जो गाड़ा गया इसमें ये रिजल्ट है। जो अभी हमने पहले वीडियो बनाया है आपको दिखाया, उसकी पत्ती और पौधे में आकार ये था। ये जो है ना विदाउट मल्टीप्लायर के फसल तैयार की गई और इसका रिजल्ट ये है। हमारे किसान भाई ने इसमें 1 बीघे में 50 किलो DAP डाली, मल्टीप्लायर जिसमें डाला गया 1 बीघे में 25 किलो DAP डाली गई और 200 ग्राम मल्टीप्लायर डाला, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसी के साथ मैं महाराजा शाह डिस्ट्रिक्ट कन्नौज तिलवा तहसील से।